नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गांव जफरपुर निवासी स्वर्गीय ठाकुर सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवार और जिला युवा विकास संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत पारिवारिक सदस्यों, संगठन प्रधान तरुण कौशल और सरपंच अदोया अविनाश चौहान की ओर से स्वर्गीय ठाकुर सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके की। ठाकुर सिंह के भतीजे विक्रम राणा और परिवार के सगे संबंधियों समेत अन्यों ने 60 यूनिट रक्तदान कर ठाकुर सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और क्षेत्र में संगठन के माध्यम से एक नई परंपरा की भी शुरुआत की। इस अवसर पर पहुंचकर पूर्व विधायक राजवीर बराड़ा ने ठाकुर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि ठाकुर सिंह क्षेत्र के ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनका सभी लोग जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठकर सम्मान करते हैं। वह सदैव सामाजिक और भाईचारे को प्राथमिकता देते थे। वे बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता को तत्पर रहते थे। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर पारिवारिक सदस्यों ने जिला युवा विकास संगठन के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन कर नई परंपरा को जन्म दिया। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। आज इस क्षेत्र के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, स्वर्गीय ठाकुर सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गांव जफरपुर में उनके परिवार व सगे संबंधियों तथा जिला युवा विकास संगठन द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन जो है वो किया गया है। और यह क्षेत्र में एक इस प्रकार की श्रद्धांजलि देने का जो है प्रथम प्रयास उनके परिजनों द्वारा जो है किया गया है। विक्रम जी के सुजन्य से जो है इस प्रकार क्या कि उनको जो है किस प्रकार जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन सामाजिक चेतना के लिए लगाया उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि जो है वो किस प्रकार अर्पित करे, रक्तदान से बढ़कर जो है कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। इसके लिए परिवार व सगे संबंधियों का जिला युवा विकास संगठन की तरफ से हार्दिक आभार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।